ABPS News। सरकार के अनदेखी व गांव के विकास के लिए स्वीकृत की जाने वाली कम धनराशि के कारण गांव में होने वाली समस्याओं व विकास कार्यों की मांगों को ABPS News के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत ABPS News टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक बिसोली में स्थित कालूपुर गाँव पहुँचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 3 किलोमीटर तथा जिला मुख्यालय से दूरी 40 किलोमीटर है। लगभग 2775 की आबादी व 1800 वोटरों के द्वारा ऊसर रानी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में 260 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 358 बच्चे अध्ययनरत हैं। गाँव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 55 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से 6 हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 100 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर एवं 9 स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 4 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, प्राइमरी स्कूल में मरम्मत कार्य व कुएं पर जाल का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 187 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। ABPS News टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पुस्तकालय, बारात घर, पानी की टंकी, बैंक, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान पुत्र कालूपुर ग्राम पंचायत से और बिलाखंड सॉरी डिस्ट्रिक्ट बदायूं यूपी से अपने गांव में काफ़ी काम करा रहा हूं और मैंने अपने गांव में सोलर लाइट और कूड़ेदान, कुओं पर जाल, सीसी, शौचालय और क्या कहते हैं काफ़ी काम कराए हैं और भी कराने के प्रयास में हूं। तो मैं निवेदन करता हूं सरकार से, राज्य से और केंद्र सरकार से कि वो ग्राम पंचायत की हेल्प तो कर ही रही हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी है ग्राम पंचायत की केंद्र सरकार ने तो, और आगे मैं यही भी चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और हेल्प करती रहे प्रधानों की ग्राम पंचायत स्तर पे। तो ग्राम स्तर का काम है जो ग्राम नीचे से जमीन से जुड़ा हो वो ग्राम पंचायत ही करवा पाती है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष जो भी हो चाहे वर्तमान चाहे आगामी वो ग्राम पंचायत अध्यक्ष ही करा सकता है ग्राम पंचायत का जमीन से जुड़ा हुआ काम, वही देख सकता है नीचे की कमियों। तो ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी चीज़ तो शिक्षित होना चाहिए ग्राम प्रधान जो भी हो और शिक्षा की मौजूदगी है। और मैं आगे विचार कर रहा हूँ अपने गांव में पुस्तक कार्यालय लैब बनवाने की और शहीद गेट, जैसे जो हमारे गांव में बुजुर्ग लोग एक्सपायर हो चुके हैं वो भी शहीद है उनके नाम से गेट, और गांव में तालाब पे सौंदर्यीकरण कराने के लिए मैं पूरे विचार कर रहा हूँ, जनता को समझा रहा हूँ कि जो कंडे वगैरह जो लगा रखे हैं वो हटवाने की। और ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे बड़ी चीज़ तो है पानी की टंकी है और मेरे गाँव में लगना चाहिए और हॉस्पिटल अस्पताल बनना चाहिए और एक ATM भी होना चाहिए बैंक या किसी भी चीज़ की, ताकि किसान जान पाए आज किसान काम करता है खेत में तो बैंक के लिए टूट जाता है कस्बे में, बहुत दिक्कत आती है आज के हर काम ऑनलाइन ज़्यादातर बैंकों से जोड़ती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्राम पंचायत में मैं और भी कुछ बहुत कुछ कराने के विचार में हूँ और कराऊँगा, मुझे मौका दिया है मेरी माँ को तो मैं उस पर अमल उतरूँगा। केंद्र सरकार अच्छे काम करा रही है और उनसे उम्मीद है केंद्र सरकार से ये काम कराती रहे और थोड़ा प्रधान की तरफ भी देख लें, प्रधान थोड़ा मानदेय की तरफ से ज़्यादा अपसेट रहते हैं मैंने देखें ब्लॉक में, तो थोड़ा उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए जो जायजों को आ जाए नहीं। और बस मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।